हेलो एवरीवन, आई एम करिश्मा भारती एंड आई बिलोंग टू पलवल हरियाणा। अगर मेरी एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो मैंने 10th अपनी यूपी बोर्ड से की थी और 12th हरियाणा बोर्ड से की थी। अगर मैं बात करूँ अपनी यूजी और पीजी की, देन आई डिड माय बीए और एमए फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी विच इज़ सिचुएटेड इन रोहतक हरियाणा। ओके एंड नाउ आई हैव गॉट माई जे आर एफ विद 98.13%। अगर बात करनी है जे आर एफ की जर्नी से, तो ये जे आर एफ की जर्नी नहीं थी मेरी स्टार्टिंग से। एक्चुअली मेरी जर्नी थी नेट से स्टार्टिंग, क्योंकि 2018 में मैंने अपनी पीजी कम्प्लीट की थी। तो इस वजह से फिर मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था कोचिंग के लिए। तो उस कोचिंग सेंटर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था मेरे साथ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हुआ था और मेरी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब अनअकैडमी पे आके मुझे पता चला कि क्या होती है नॉलेज लिटरेचर की। तो वहाँ से फिर मेरा सपना टूट गया, मतलब नेट का। मुझे नहीं लगता था कि मैं नेट भी कर पाऊँगी कभी अब, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा हो गया था पीजी में, सेकंड अटेम्प्ट मेरा हुआ था जब मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था इसका सपना। फिर आया 2019 में मैंने टीचिंग स्टार्ट कर ली थी। उसके बाद 2019 से 20 तक फेब और मार्च तक मैंने टीचिंग की थी, क्योंकि पेंडेमिक था एक तो रीज़न ये, उसके बाद मुझे खुद रिज़ाइन देना था। तो दोनों रीज़न थे इस वजह से। खुद इसलिए क्योंकि कुछ टीचर्स थे जो मुझे बोलते थे कि मैम आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप हायर एजुकेशन में जाइए, ये लेवल नहीं है आपका पढ़ाने का। तो इस बात को भी मैंने सुना, और फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई इन सब चीज़ें के मतलब सुनते सुनते। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और देन फिर मैं सेल्फ स्टडी में लग गई। दो तीन महीने सेल्फ स्टडी की, दो तीन महीने के बाद यूट्यूब पर सर्च वगैरह किया, गूगल वगैरह किया, तो यूट्यूब पर पता चला अंकित सर के बारे में। अंकित सर से टच में आई अंकित सर के। उसके बाद अंकित सर की क्लासेस देखी यूट्यूब पर बहुत सारी। यूट्यूब पर क्लासेस देखने के बाद पता चला कि अनअकैडमी भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पे गई तो अंकित सर को ही फॉलो किया था मैंने। तो मतलब इस जेआरएफ की जो जर्नी थी वो मैंने अंकित सर से ही स्टार्ट की थी। उसके बाद जब अंकित सर की क्लासेस देखने लगी, स्पेशल क्लासेस, फिर पता चला कि पेड क्लासेस भी हैं, तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। फिर 3 महीने का मैंने पहले सब्सक्रिप्शन लिया था। उसके बाद क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम था, तो अक्टूबर में जब एग्ज़ाम हुआ वो थर्ड अटैम्प्ट था मेरा, क्योंकि वो प्रिपरेशन मेरी उस लेवल की नहीं थी, मुझे भी पता था, इस वजह से रह गया वो। और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था बिल्कुल भी मेरा उस टाइम पे, तो ये रीज़न था कि क्वालिफाई तब नहीं हो पाई थी मैं। उसके बाद अंकित सर के बाद मुझे पता चला कि जो लिटरेचर है, लिटरेचर कोई और भी पढ़ाते हैं, तो अंकित सर से मुझे पता चला कि एनी मैम भी लिटरेचर पढ़ाते हैं। तो एनी मैम को फिर एनी मैम के टच में आई। उसके बाद एनी मैम से पहले मैं तलवीर सर के टच में आई थी पेपर वन के लिए, क्योंकि पता चला था कि पेपर वन भी पढ़ाते हैं, पेपर वन तलवीर सर पढ़ाते हैं, और पेपर वन की भी हम तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी पे, मतलब दोनों पेपर एक साथ कर सकते हैं। तो वहाँ मेरे तलवीर सर से भी इंटरेक्शन हुआ। फिर एनी मैम की क्लासेस भी मैं साइड बाई साइड देखती चली गई थी। उसके बाद मतलब अब तीनों की, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अंकित सर को इस फॉलो किया है, नहीं, बट ये है कि जो मेरी जर्नी थी जेआरएफ की वो मेरी अंकित सर से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अंकित सर की वजह से एनी मैम मिले थे, एनी मैम की वजह से फिर तलवीर सर मिले थे मुझे। इस तरह से तीनों एजुकेटर मेरे लिए बेस्ट थे, और सिर्फ अनअकैडमी पर ही नहीं, क्योंकि देखिए तीनों का वे अलग, हर कोई पर्सन डिफरेंट होता है, इसलिए हर किसी पर्सन का, हर किसी एजुकेटर का वे ऑफ टीचिंग भी अलग होता है और होना भी चाहिए। तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि ये इन इनमें ये कमी है या इनमें ये कमी है, जो भी है बेस्ट है,
इस वजह से मैंने तीनों को बेस्ट रखा। और ये तो रही अनअकैडमी की बात, फिर मैंने टेलीग्राम ज्वाइन किया था। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ क्विजेज अटेंड किए। तो वहाँ पे एक सर मिल अतुल सर मिले वहाँ पे, उनका एक ग्रुप है तो वो भी कोचिंग देते थे, तो उनका कोर्स भी मैंने ज्वाइन किया था। हम लोग अतुल सर भी वहाँ पे पढ़ाते थे। वो गर्मी हो, उनका नेटवर्क ना हो या बारिश हो, वो हर किसी टाइम अवेलेबल रहते थे पढ़ाने के लिए। फिर मतलब हमारी जब इवनिंग में नेटवर्क भी अगर प्रॉब्लम करता था तो मॉर्निंग में 4 बजे उठ के हम क्लास ज्वाइन करते थे जूम पे। ठीक है, तो इस वजह से ये थी मेरी JRF की जर्नी स्टार्टिंग से एंड तक। उसके बाद जब JRF मिला है तो इसका रीज़न सिर्फ एक नहीं है, एक पर्सन नहीं है, एक पर्सन इसके पीछे नहीं है, सिर्फ अंकित सर नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं बचपन से ही, और इस वजह से मेरे भैया ने मुझे बड़ा किया है। मतलब आज मैं जो भी हूँ अपनी पेरेंट्स की, अपने भैया की वजह से हूँ। इस वजह से सबसे बड़ा थैंक यू तो उनके लिए है, और जो भाभी हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कौन कहता है कि भाभी ऐसी होती हैं, मुझे नहीं लगता। देखने का नज़रिया होना चाहिए और खुद भी अच्छा होना चाहिए, तभी दूसरे आपको अच्छे लगेंगे। तो उसके बाद भैया के लिए तो भैया तो थे ही सपोर्टिव, और भाभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद आते हैं एजुकेटर्स पे। एजुकेटर्स अंकित सर, सबसे पहले अंकित सर को भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। ओके, उसके बाद एनी मैम है। एनी मैम से भी बहुत ज़्यादा मैंने बहुत कुछ सीखा है। एनी मैम के साथ साथ तलवीर सर के साथ अतुल सर हैं टेलीग्राम पे, जूम पर उन्होंने भी बहुत पढ़ा है। तो सबको सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर एंड मैम। सबसे पहले करते हैं पेपर 1 से स्टार्ट। अगर बात की जाए कि पेपर 1 के लिए मैंने किस एजुकेटर को फॉलो किया, कहाँ से फॉलो किया, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी और कोई और कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन किया, सिर्फ तलवीर सर को अनअकैडमी पे फॉलो किया और कुछ नहीं किया। जैसे जैसे तलवीर सर ने सजेस्ट किया वैसे ही मैंने किया था, और उनके PDFs अवेलेबल होते थे अनअकैडमी पे, और PDFs के चलते मेरे फ़ोन में रहते थे अवेलेबल PDFs उनके। उसके बाद मैं प्रिंट आउट भी निकलवा लेती थी। प्रिंट आउट मैं उस यूनिट का निकलवाती थी जो यूनिट मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगती थी, लाइक पीपल एंड डेवलपमेंट वाली जो यूनिट थी वो मुझे वो और हायर एजुकेशन वाली यूनिट वो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगती थी। ये भी था कि मैथ्स भी टफ लगता था, बट मैथ्स पे धीरे धीरे कमांड आती गई थी मुझे मेरी, क्योंकि सर की क्लासेस देखती थी और DI वगैरह साथ में चलता रहता था, तो इस वजह से मुझे डर नहीं लगता था उससे, और मुझे लगता था कि हाँ मैं कर जाऊंगी इनको। तो उसके बाद जो ये दोनों यूनिट मैंने प्रिंट आउट करा के रखे थे क्योंकि टफ लगती थी ये। मेरे पास PDF भी थे और प्रिंट आउट भी थे। उसके बाद ये बुक्स बुक्स मेरे पास एक भी नहीं थी पेपर 1 की। तो सर की क्लासेस होती थी, एक बार नहीं समझ आ रहा है दूसरी बार क्लास लेती थी 2x पे, दूसरी बार नहीं समझ आती है तो तीसरी बार डाउनलोड करके मैं देखती थी। मतलब जब तक नहीं समझ आता था तब तक मैं उसको ऐसे रिपीट करती रहती थी क्लास को। ओके, उसके बाद आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 के लिए मैंने अंकित सर को फॉलो किया फर्स्ट, उसके बाद एनी मैम को फॉलो किया था, उसके बाद जो टेलीग्राम पे अतुल सर हैं उनको उनकी मतलब उनका एक कोर्स था तो वो ज्वाइन किया था मैंने। पेपर 2 में भी मैंने बुक बुक तो की थी बट PDFs वगैरह अवेलेबल रहते थे। अंकित सर के PDFs बहुत ज़्यादा क्लियर रहते थे, मीन्स वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड करके रखते हैं पॉइंट्स को, तो इस वजह से वो इजीली समझ आ जाते थे, और वो उनकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ईजी रहती थी, इस वजह से मुझे अच्छे लगते थे। PDF मेरे फ़ोन में भी रहते थे, प्रिंट आउट भी मैं निकलवा के रखती थी। और रही बात हैंड रिटन नोट्स की, तो हैंड रिटन नोट्स मैंने बहुत बनाए हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 के भी बनाए हैं, पेपर 2 के भी मैंने बनाए हैं हैंड रिटन। तो
इस वजह से बहुत ज़्यादा मटेरियल था मेरे पास, तो मैंने सिर्फ मतलब एक ही रिसोर्स पे मैं वो डिपेंड नहीं रहती थी, मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्स पे मतलब डिपेंडेंट रहना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स कि गूगल भी करो, गूगल पे आप कुछ समझ नहीं आ रहा है, अनअकैडमी पे कुछ समझ नहीं आ रहा है या यूट्यूब पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं गूगल करती थी उसको उसी टाइम। वो बात अलग है कि अगर बिजी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, काम काम आ गया तो वो नहीं करना, बट गूगल करती थी, कुछ टाइम बाद कर लेती थी। उसके बाद अगर अनअकैडमी पे किसी एजुकेटर का समझ नहीं आ रहा है तो उन्हीं के चैनल पे जाके वहाँ मैं यूट्यूब पे देखती थी उन्हीं की क्लासेस को उसी टॉपिक पर। ठीक है, ये सब रहा था मेरे नोट्स का कि कौन से नोट्स मेरे पास थे। और अगर पेपर टू के लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स मैंने मतलब रखी हुई थी या बाय की थी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहले तो मैंने ये वाली स्टार्ट की थी, ये थ्योरी की है, 4th एडिशन पीटर बैरी का। ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बट ये है कि मैंने पढ़ा था ये। ठीक है, ये वाली फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक ये वाली है, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ये है प्रसाद की, बी प्रसाद की, ये वाली भी मैंने पढ़ी थी। ओके, और सेकंड थर्ड है ये कंटेम्प्रेरी लिटरेरी एंड क्रिटिकल थियोरी, ये वाली है पी के नायर की। तो क्रिटिकल थियोरीज के लिए मैंने ये वाली बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ईजी है, आप बाय कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं ईजीली। उसके बाद ये है अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये तो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज को बिना ग्रामर के नहीं समझ सकते, उसी तरह से आप लिटरेरी टर्म्स के बिना लिटरेचर को नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, जिनके रेफरेंसेस वगैरह मिलते रहते हैं। तो आपको ये भी ये लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो MH अब्राहम्स की है। उसके बाद हिस्ट्री के लिए, अगर आपको बेसिक हिस्ट्री चाहिए लिटरेचर की, डिफरेंट डिफरेंट एजेस की या पीरियड्स की, तो ये वाली है रोटलेज। रोटलेज आपको ये है मेरा ब्रिटेन एंड आयरलैंड का 3rd एडिशन है, तो आपको ये भी रिकमेंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये रही थी मेरी बुक्स लिटरेचर के लिए, क्योंकि पेपर 1 के लिए मेरी मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी, सिर्फ ये पेपर 2 के लिए थी। और मेरे पास विलियम जे लॉन्ग की मैं ट्राई कर रही थी, जो एनी मैम ने कंप्लीट कराई हुई है, और ये रॉटलेज की जो हिस्ट्री वाली है ये वाली, ये एनी मैम ने ऑलरेडी की हुई है स्पेशल क्लासेस में, तो मैंने सारी क्लासेस देखी थी। तो आपको जो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएगी एनी मैम की क्लासेस में जाके। उन्होंने विलियम जे लॉन्ग की भी बुक कराई हुई है, PDF में अवेलेबल होगी, और ये वाली भी। ओके, उसके बाद मेरे पास ये भी है अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये वाली है डेविड डेचिस की, बट ये दोनों एडिशन है, ये वाला एडिशन है, ये वाला भी है, बट ये मैंने नहीं पढ़ी, मैंने बाय कर ली थी, बट मेरा मन नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लेंदी लग रही थी मुझे, बट जब मुझे नॉलेज मतलब जब मुझे अच्छा लगने लगा था लिटरेचर, या जो इंटरेस्ट था वो डेवलप होने लगा था, तो मैंने फिर भी मुझे नहीं किया मन, क्योंकि मेरे पास और भी बुक्स आती रहती थी, और फिर मैम की और सर की क्लासेज में देखते रहते, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसकी। अगर बट आपको अगर पढ़ना है तो विलियम जे लॉन्ग की पढ़ सकते हैं, जो एनी मैम ने कराई हुई है अच्छे से। ओके, उसके बाद अगर बात करें कि और क्या क्या था, तो स्टडी में ये थी, बुक्स थी, उसके बाद नोट्स थे, मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, उसके बाद PDF मेरे रहते थे फ़ोन में, और प्रिंट आउट भी मैं निकलवा के रखती थी जो यूनिट मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगती थी। ओके, उसके बाद टेलीग्राम पे कुछ चैनल हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ग्रुप, कई ग्रुप हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे चैनल ज्वाइन किए हुए थे जो क्विज़ कंडक्ट कराते थे, डेली क्विज़ चलते रहते थे, इतने क्विज़ चलते रहते थे लिटरेचर के कि हम खुद परेशान हो जाएंगे, कि मतलब कोई कोई स्टूडेंट तो ऐसे करता था, कोई नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते थे कि वो लीव कर देते थे। किस लिए? क्योंकि उनके नोटिफिकेशंस इतने आ रहे हैं सिर्फ इसकी वजह से। बट मैंने ये सब नहीं किया, जितने भी नोटिफिकेशंस आते थे, जितने भी क्विज़
चलते रहते थे, मैंने ज्वाइन किए जो पॉसिबल हो सकते थे। तो मैंने ये भी किया था, तो अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी ग्रुप को। उसके बाद ये भी था कि जो हम लोग तीन थे, स्ट्रेटजी अगर और बताना चाहती हूँ तो हम लोग तीन फ्रेंड्स का सर्कल था हमारा। एक कोमल है, कोमल का इस बार रह गया, फर्स्ट अटैम्प्ट था उनका। उसके बाद एक सलोनी है, सलोनी का अंकित सर की क्लासेस देखकर ही फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था, और इस बार उनका सेकंड अटैम्प्ट में भी नेट हुआ है। वो जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे थे बट उनका नेट ही हुआ है इस बार, बट किसी भी रीज़न की वजह से रह गया उनका अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद मैं थी, हम तीनों लोग थे। तीनों लोग क्या करते थे, हम लोग कॉन्फ्रेंस पे कॉल करते थे, कॉन्फ्रेंस करते थे। उसके बाद अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो दूसरी फ्रेंड मुझे समझाएगी, उसको समझ नहीं आ रही है तो तीसरी समझाएगी, अगर तीसरे को समझ नहीं आ रही तो मैं समझाऊंगी। इस तरह से हम लोग डिस्कस करते थे, क्रोनोलॉजी हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, नहीं समझ आ रहा है क्रोनोलॉजी की डेट वगैरह हम लर्न करते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, और एक टॉपिक पहले से डिसाइड कर लेते थे कि ये हमें कल करना है, इस वजह से इसको अच्छे से लर्न करके आना है तीनों को। और जहाँ समझ नहीं आता है तो वो दूसरा वाला हमें समझाएगा अगर हमें नहीं समझ आ रहा है, राइट। इस तरह से हमने डिस्कशन करना स्टार्ट किया था कॉल्स पे। वो भी सब कहते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब एक्सक्यूजेस होते हैं अगर आपको स्टडी करनी है। क्योंकि अगर आपको ग्रुप स्टडी भी नहीं करनी होती है तो आप कॉन्फ्रेंस पे भी तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया था कॉन्फ्रेंस पे लेके एक दूसरे को। उसके बाद डिस्कशन ये था कॉन्फ्रेंस वाला, बट जो दूसरा वाला था वो टेलीग्राम पे था, कि लिटरेचर वाला जो डिस्कशन होता था अतुल सर का, वो 9 से मतलब या 10 से स्टार्ट हो जाता था। हम 12 या 1 बजे तक डिस्कशन करते रहते थे। कोई भी क्वेश्चन पुट कर रहा है तो हम उसका आंसर दे रहे हैं, हम भी पूछ सकते हैं, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू लिटरेचर। बट उसके बाद हमने क्या किया, बस इतना था, मतलब हमारा लिटरेचर वाला भी कवर हो जाता था और पेपर 1 वाला भी हमारा कवर हो जाता था डिस्कशन में। अब बात करते हैं कि क्या क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC, NTA, NET और JRF। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपको PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपको सॉल्व करने, क्योंकि PYQ से हमें पैटर्न पता चल जाता है और हमें लैंग्वेज समझ आ जाती है कि NTA किस लैंग्वेज में पूछ रहा है हमसे, जो क्वेश्चंस पुट कर रहा है वो। ओके, PYQs मैंने एक बुक भी थी, अभी इस टाइम मेरे पास नहीं है बुक, वो कोई लेके गया हुआ है तो इस वजह से। YCT एक बुक आती है जो लिटरेचर के लिए है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगी। आप अगर PYQs सॉल्व करना चाहते हैं तो उस बुक को ज़रूर बाय करिए। उसके बाद पेपर 1 के लिए PYQs की बात करूँ तो मैंने तलवीर सर बहुत ज़्यादा PYQs करा देते हैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस में, तो मैंने उन्हीं की क्लासेस से PDFs डाउनलोड किए हुए थे, तो इस वजह से उन्हीं को मैं करती थी, रिपीट करती थी। अगर PYQs में क्या समझने वाली बात है कि PYQs में अगर कुछ आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, और जो नहीं आ रहा, जो समझ नहीं आ रहा है उस पर फोकस करिए कि ये बोल क्या रहा है। पेपर 2 की बात तो है बट पेपर 1 की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि जहाँ समझ नहीं आ रहा है उसी पॉइंट को उठाइए और देखिए, तभी गूगल करिए। मैं यही काम करती थी, अगर वो मुझे पॉइंट कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो उसको मैं तभी देखती थी, तभी चेक करती थी। तो ये था मेरा PYQs का। तलवीर सर ने सब बहुत सारे PYQs कराए हुए हैं, और जो YCT बुक है उसकी लिटरेचर की, जिसमें PYQs हैं, तो वो 2014 से आई थिंक 2014 से 19 तक उसमें PYQs सॉल्व किए हुए हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। ओके, उसके बाद आती है दूसरी चीज़ रिवीजन। आपको रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने छोड़ा था बट इतना नहीं छोड़ा था, मैंने रिवाइज़ किया था चीज़ों को, बट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल लीव नहीं करना है, रिवीजन साथ साथ करना है रिवीजन। अगर आपने आज कोई टॉपिक किया है, 2-3 दिन बाद फिर दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद जाकर जो पहले किया हुआ था उसी को उठाइए और रिवाइज़ करिए, ताकि आपके माइंड में पहले से ही ऑलरेडी चलती रहे वो चीज़ें लास्ट तक। ओके, उसके बाद रिवीजन
किस तरह से करना है, रिवाइज कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। बहुत सारे चैनल हैं लिटरेचर के लिए, बहुत सारे चैनल हैं उस पर टेलीग्राम पे, उनको ज्वाइन करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। रिवीजन में फ्रेंड से पूछिए, एक टॉपिक उठाइए, फ्रेंड से फ्रेंड्स में डिस्कस करिए, बस ये हो जाएगा रिवीजन का। रिवीजन के लिए आपको 1 घंटा बिल्कुल देना पड़ेगा डेली। उसके बाद या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा पेपर, दोनों पेपर के लिए आपको इतना ही टाइम देना पड़ेगा। फिर आप कभी भी दे दीजिए, पेपर 1 के लिए पहले ज़्यादा टाइम दे दीजिए या पेपर 2 के लिए पहले ज़्यादा टाइम दे दीजिए। ये बात अलग है कि लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बट पेपर 1 के लिए भी टाइम चाहिए, उसको बिल्कुल लीव नहीं कर सकते हम। ये नहीं सोच सकते कि पेपर 1 में तो आता है, ठीक है, हो जाएगा, जैसे भी होगा। नहीं, एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू इट। उसके बाद PYQs की बात होगी, रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट से ये मतलब नहीं है कि आपको कितना आता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग होते हैं, और जो NTA हमें सेट करके या हमें फेंक फेंक के देता है वो अलग होते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि किस तरह से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको या कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं, आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाता है, टाइम मैनेज करना आता है आपको अगर आप ये मॉक टेस्ट देते हैं। बहुत सारी सीरीज़ वगैरह चलती रहती हैं लिटरेचर की, और अब तो अनअकैडमी पे अवेलेबल भी है, जो आपका हमारा इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। जिस तरह से पेपर 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस तरह से पेपर 2 की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अनअकैडमी पे। ओके, ये हो गया रिवीजन वाला, और डिस्कशन भी आप कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया है आपको। लास्ट में बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ उन एस्पिरेंट्स को, उन जो नेट की और JRF की तैयारी कर रहे हैं, कि सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। यू हैव टू डिसाइड योर एम, कि आपको क्या करना है लाइफ में। आपको एक एम सेलेक्ट करना है या 2 एम सेलेक्ट करने हैं, मींस 3 या 4 5, कितने एम सेलेक्ट करने हैं आपको, कितने एम डिसाइड करने हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आप उसकी तरफ UPSC की तरफ भी भागेंगे, आर्मी की तरफ भी भागेंगे, फिर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागेंगे, या फिर JRF नेट की भी जर्नी आपको साथ में चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक साथ इतने सारे कर पाएंगे। पहले डिसाइड करिए, इंट्यूशन आपकी क्या बोल रही है वो सुनिए, कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी विल पावर कितनी है, या क्या कर सकती है, क्या बोल रही है, वो करिए। आपकी विल पावर जो भी कहेगी, जो भी करेगी, वो आप अचीव कर सकते हैं, बट पहले सुनिए, खुद को समझिए। उसके बाद खुद पर ट्रस्ट रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये काम। फेथ के अलावा सिर्फ खुद पे ही फेथ नहीं रखना है, अपने एजुकेटर्स पर भी ट्रस्ट रखना है आपको, क्योंकि आपके एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, वो आपके लिए 100% से भी ज़्यादा, जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो उतना करते हैं आपके लिए, सिर्फ वो अपने लिए नहीं करते। अपने लिए अगर करना होता तो वो कुछ ही स्टूडेंट्स को रखते और बस मजे करते, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है वो लगे रहते हैं, अनअकैडमी हो या फिर YouTube हो, कुछ भी हो, और आप कमेंट इसी तरह से कमेंट करके चले जाते हैं, कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं। और इस लेवल पे आके, अगर आप इस लेवल पे आके कुछ भी कमेंट करके जाएंगे, क्रिटिसिज्म कोई भी नेगेटिव वे में क्रिटिसिज्म करेंगे किसी भी एजुकेटर का, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस लेवल को डिज़र्व करते हैं या इस लेवल की वैल्यू भी रखते हैं आप, या किसी एजुकेटर को समझने की भी कोशिश करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो बंद करिए नेगेटिव क्रिटिसिज्म करना किसी के भी बारे में, फिर वो एजुकेटर हो या कोई और हो। फेथ रखिए, खुद पर फेथ रखिए, एजुकेटर्स पर फेथ रखिए। उसके बाद पेशेंस रखिए, सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस। मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ आपसे, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। पेशेंस रखिए और फेथ रखिए, और जो कंसिस्टेंसी है स्टडी की वो बनाए रखिए। एम है, डिटरमाइंड रखिए, डिटरमाइंड रहिए उस पर, सब कुछ अचीव हो जाएगा जो आप चाहते हैं वो।